शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे तो हमारे घर की और श्रवणी की बहुत बदनामी होगी। श्रवणी का पूरा भविष्य खराब हो जाएगा और आगे स्वीटी भी तो है, हम क्या करेंगे? श्रवणी, हमें तुम पे बहुत गर्व है और कोई तुम्हारा नाम उछालेगा ना, ये हम नहीं सहेंगे। सब ठीक कर देंगे हम, ये हमारा वादा है। ससुर जी, हम समझते हैं कि आपके लिए आसान नहीं है कि एक अनजान लड़के के साथ अपनी बेटी को विदा कर देना। हम बस इतना चाहते हैं कि आप इस शादी को स्वीकृति दे दीजिए। कभी नहीं। ससुर जी, अब ये वीडियो देखने के बाद तू आंखें मत दिखाइए। अरे, हमारे आपस का मामला है, बैठ के सुलझा लेंगे, कोई ना कोई तो बीच का रास्ता निकाल ही लेंगे। तुझ जैसे आवारा और घटिया लड़के के साथ हम अपनी बच्ची नहीं भेजेंगे, समझा? सोच लीजिए, हमारे पास है बीच का रास्ता। हमारी बीवी अपने मायके में भी रहेगी और पंचायत के फैसले के अनुसार वो अपना पति पत्नी का धर्म भी निभा पाएगी। इनका तो ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं अब ये क्या करेगा। सोच लीजिए, आते हैं थोड़ी देर में। बीवी जी, जल्दी आएंगे। श्रवणी के तमाशे की वजह से ना कुछ खा पाए और ना ही फ्रेश हो पाए। अब आराम से खाना खाएंगे, फिर फ्रेश होके अपना ब्यूटी मास्क लगाएंगे। वैसे ना, जो भी हुआ अच्छा, वो श्रवणी हमारी शादी तोड़ी थी ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। स्वीटी, आ जाओ दीदी। स्वीटी, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तुमने सुना ना पंचायत ने क्या फैसला लिया है? जब तक हम इस शादी को झूठा नहीं साबित कर देते, हमें उस शिवांश के साथ रहना पड़ेगा। तो अब क्या करोगी तुम? हम तो नहीं, लेकिन तुम कर सकते हो स्वीटी। हम? पर हम क्या करें? स्वीटी, अगर तुम सबको बता दो कि वो बच्चा शिवांश का है तो शिवांश का सच सबके सामने बाहर आ जाएगा, फिर हम ये झूठी शादी के ड्रामे से भी बच जाएंगे। और फिर तुम सबसे ये भी कह सकती हो कि शिवांश ने कितना बड़ा धोखा दिया है तुम्हें। वो जबरदस्ती दबाव डाल के तुमसे शादी करने की कोशिश कर रहा था। ये सब क्या कह रही हो तुम? ऐसा ही करना था तो जबरदस्ती वेदी से क्यों उतारा था हमें? और लेने देती शादी, कम से कम बच्चे को गाली तो नहीं लगती। तब तो कह रही थी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम जिंदगी बर्बाद होने से बचा रही थी ना। और अब कह रही हो कि हम सबके सामने जाके बता दे कि हम कुंवारी माँ बनने वाले, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और वो शिवांश तो आराम से मुकर जाएगा कि
ये उसका बच्चा नहीं है। तब हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, बोलो। श्रावणी, तू कुछ अलग रास्ता निकालो, प्लीज प्लीज, इस सबके बीच में हमें मत लाओ। हम ना पहले से बहुत डरे हुए। स्वीटी, हमारी गलती है, हमें माफ कर दो। तुम सही कह रही हो, शादी से बचाकर हम तुम्हें वापस उस कुएं में नहीं ढकेलेंगे। हम खुद कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन स्वीटी, तुम इस बच्चे को ज्यादा दिन तक छिपा नहीं पाओगी। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, सबको समझ आने लगेगा। समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? तुम्हें जल्दी कोई फैसला लेना पड़ेगा, और अगर नहीं तो ताई जी या ताऊ जी को बता दो, वो कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन जल्दी। श्रावणी, जल्दी आ। ताई जी, छोड़ो मैं, छोड़ो। कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग, छोड़ो, हाँ छोड़ो हमारा, कौन हो तुम लोग, छोड़ो हमें, छोड़ो, कौन, छोड़ो हमें। हमारे परिवार को क्यों बांध के रखा है? हमारे परिवार वालों को छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ एक रस्म होती है गाली देने की। लड़की वाले लड़के वाले को गाली देते हैं और लड़के वाले लड़की वाले को। अरमान अधूरे रह गए थे हमारे, तो आज पूरे होंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? बस बस बस, छोड़ो। बस बस बस, अरे बस, आप जैसी भी है बहुत प्यारी। ये बस, एक बार हाथ खुलने दे, गाली क्या तेरा मुंह भी तोड़ देंगे। अरे साले जी, थोड़ा आराम से, ले चला सबको वहाँ। हमने कहा छोड़ो हमारे परिवार को। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।